हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं एक डाउट कवर करने वाला हूँ, एक ऐसा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी टाइम से रहता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये एग्ज़ाम बहुत बार दे चुके हैं। और वो डाउट है, कैन आई क्रैक दिस IBPS एग्ज़ाम्स विदाउट अटेम्प्टिंग द पजल्स। देखो, अभी IBPS SOR है, प्रीलिम्स दिसंबर एंड, तो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या और भी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट आता है कि सर पजल्स ट्रबल द मोस्ट। डजंट मैटर हाउ मच यू प्रैक्टिस, हाउ मच यू वर्क हार्ड, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करते हैं। तो क्या करें? देखो, सिर्फ IBPS SO प्रीलिम्स नहीं, कोई भी एग्जाम आप देखो, आप लोग सारे पजल्स नहीं करते। आप लोग क्या, कोई भी नहीं करता, ठीक है? क्यों? क्योंकि सारे पजल्स की लेवल अलग अलग होती है, और उसमें से एक दो तो मैं कहूँगा ट्रबल मेकर तो रहेंगे। ट्रबल मेकर इन द सेंस टाइम के हिसाब से। और हमें सिर्फ वहाँ पे ये नहीं बताना है कि मुझे पजल्स अच्छे आते हैं या नहीं। सो कैन आई क्रैक दिस एग्जाम विदाउट अटेम्प्टिंग पजल्स? देखो, इसमें कहने के दो तरीके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ भी और ना भी, क्योंकि इसकी सिचुएशन आपके एबिलिटी और स्किल पे है। सबसे पहली चीज़, अगर मान लो मैंने कहा हाँ कि एक भी पजल अटेम्प्ट मत करो, ठीक है? और IBPS SO की बात स्पेसिफिक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें प्रीलिम्स में ये सब सब्जेक्ट्स रहेंगे, मेंस में नहीं होगा। सो व्हाट यू कैन डू, अगर मैं हाँ कहता हूँ तो मान लो कि से 4-5 पजल्स है, ओके? सो वो आप अगर नहीं करते हो, सो रिमेनिंग पेपर इज़ ऑफ 25 or 30 मार्क्स, डिपेंडिंग अपॉन 4 पजल और 5 पजल्स, ओके? सो आस्क योर सेल्फ ऑनेस्टली, विल यू गेट ऑल दोज 25-30 मार्क्स आउट ऑफ, डू यू हैव दैट मच एक्यूरेसी इन द रिमेनिंग पेपर? मीन्स सी, ब्लड इलेक्शन, डायरेक्शन, रैंकिंग, सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग, ओके, इफ मशीन इनपुट आउटपुट एंड द अदर ट्रबल मेकर्स स्टेटमेंट वाले चैप्टर्स like assumption, conclusion, inference, cause and effect. So do you have that much accuracy? You need to ask. And when these questions are done, see, pattern तो यही होता है कि हम लोग ये सब questions wind up पहले करें, ठीक है? Not machine input, output and statement वाले, but बाकी blood relation, direction, ranking बाद में puzzles पे जाए। पर कहीं ना कहीं practice के बाद students का confidence थोड़ा सा shake होता है कि सर हर बार मेरे puzzles wrong जाते हैं, ज़्यादा attempt नहीं होते, speed नहीं है and everything. लेकिन आप ये चीज़ को समझो, अगर आप हाँ यानी कि स्किप करते हो तो आपकी एक्यूरेसी 100% बाकियों में होनी चाहिए, एक भी एक्सक्यूज़ नहीं। क्योंकि देखो, हर जगह पे आप लोग बच नहीं सकते, कुछ अगर नहीं करोगे तो अल्टरनेट करना पड़ेगा, दैट्स हाउ इट इज़, ओके? और दूसरी चीज़ क्या है बताए, अगर आप वो करते भी हो, चलो मान लो 25 में से या 27 में से 27 निकाल भी ले रीजनिंग में, ठीक है? और मान लो आपका HR स्ट्रीम, ओके, हायर कट ऑफ जाएगा वहाँ पे, लास्ट टाइम 67 समथिंग था। तो अगर आप अपने आप से पूछो, आपका इंग्लिश और आपका मैथ्स क्या इतना स्ट्रांग है कि 40-45 मार्क्स निकाल देगा दोनों में? ये जवाब आपके अलावा कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स 35 अबव जाता है, सो देर आर हायर चांसेस यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम, वैसे भी प्रीलिम्स से मार्क्स काउंट होंगे नहीं आगे। ये प्लानिंग पहले करो, इट विल इनेबल यू टू अंडरस्टैंड। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको आइडिया हो जाए। अब दूसरा केस, कैन आई क्रैक IBPS एग्जाम विदाउट अटेम्प्टिंग दी पजल्स? मैं कहूँगा नो, क्योंकि देखो इसमें कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऐसी आएगी, मान लो ऐसी केसेस है जिसमें स्टूडेंट्स रहेंगे जो बहुत सारे रहते हैं, सर मैथ्स और इंग्लिश में ज़्यादा जमता नहीं है, या ओके लाइक एवरेज है। तो एवरेज है तो जाहिर सी बात है फिर आपका एग्जाम कैसे क्लियर होगा, तो आपको कहीं ना कहीं पजल्स को हाथ लगाना पड़ेगा। अब मान लो 4 पजल या 5 पजल, एक मिनिमम बता रहा हूँ इस वीडियो के तहत, आपको 2 हिट करने ही करने हैं पजल्स, तो मिनिमम उसके 10 मार्क्स तो जेब में चाहिए। बाकी तो ये जो मसाला है ना सब, रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, सिलॉग, ये तो हो गए पहले, ठीक है? ये अजम्पशन में ये हो गए, उसके बाद 2 पजल्स। इससे क्या होता है पता है, वो जो 10-12 मार्क्स का पैटर्न होता है ना, वो कहीं ना कहीं आप आगे जाके सेक्शन थोड़े कम करते हो तो मैनेज कर सकते हो। देखो, अगर 100 हर कोई निकालने लग गया 125 में से, तो आपको किसी के भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, लेकिन 100 नहीं मिलते ना, और कहीं ना कहीं वो जो कट टू कट कॉम्पिटिशन होता है कि 67 कट ऑफ है, मुझे 70-72 तक मिला, तो कहीं ना कहीं वो 4-5 मार्क का फ़र्क कहीं ना कहीं पड़ा है। कोई जो सेक्शन में आपने थोड़ा सा अपर हैंड है कि वहाँ पर आपने ज़्यादा अटैम्प्ट किए, ज़्यादा अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किए, तो ये तरीके से मान लो मेरी राय लो, तो आप पजल्स को ना ऐसे ही लेके मत जाओ माइंड में, करने ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है पता है इस केस में, जो स्टूडेंट ऐसा करते हैं ना, वो लोग प्रैक्टिस कम रखते हैं या ना के बराबर, एंड दे डिपेंड ऑन द अदर सेक्शन। ठीक है, डिपेंड मतलब, तो फिर ऐसा होता है उनको वो सारे आने चाहिए, एक भी एक्सक्यूज चलेगा नहीं। ठीक है, एक भी एक्सक्यूज, फिर ऐसे नहीं बोलना चाहिए वो सिलोगिज्म में मुझे लगा था वो इनसाइड द डायग्राम है, आउटसाइड है, वो चलेगा नहीं, सम नॉट सम पता नहीं है, तभी 100% एक्यूरेसी चाहिए। पजल की एक बात है कि पजल हिट कर दिया तो 5 मार्क्स जेब में होते हैं, किस्मत अच्छी रही अगर 6 क्वेश्चन हो जाए तो 6 मार्क्स जेब में। तो मेरी राय ये रहेगी, आप लोग पहले ही उसको सोच के मत जाना, माइंड सेट करना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि पजल बहुत बड़ा चैप्टर है, कोई 2 मार्क्स या 3 मार्क का चैप्टर नहीं है, 20 से 25 सिंपल भाषा में 50% पोर्शन भी आपका कवर कर लेगा वो, तो ये सोच के जाओ। 2 में और सी देर आर चांसेस 5 में से 3 होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल हाउ यू एनालाइज। क्योंकि देखो घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक सॉल्व कर रहे हो ना, सिर्फ सॉल्व मत कर दे ना, अपना एनालाइज करो कि आप कौन से पजल के टाइप है उसमें आप थोड़े कम हो, और ऐसे कौन से पजल के टाइप है जिसमें आप अव्वल हो या अच्छा स्कोर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर सॉल्विंग से स्क्वायर बेस पजल ऑल द टाइम और फ्लोर पजल ऑल द टाइम एंड इट इज़ गेटिंग करेक्ट, सो ऑब्वियसली यू हैव टू मेक एनालिसिस रिटर्न दैट एटलीस्ट इन फ्लोर पजल यू हैव अपर हैंड। एट द सेम टाइम ब्लड रिलेशन सर्क्यूलर आई एम वेरी बैड, सो दैट इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड इन विच एरिया यू आर स्ट्रांग, इन विच एरिया यू आर वीक पजल वाइज। सिर्फ पजल पजल या सेटिंग अरेंजमेंट मत को, उसके अंदर ब्रॉडली क्लासीफाई करो कौन से पजल आपके अच्छे कौन से पजल बुरे, इस तरीके से करो। बट मैं कहूँगा कि आप ऐसे ही सोच के मत जाना कि मैं करूँगा ही नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। क्योंकि देखो उसमें एक चीज़ हो रहा है, जैसे मैंने कहा था मैथ्स और इंग्लिश पे प्रेशर गिरेगा, और उसमें से अगर आपका कोई वीक है देन इट्स अ बिग इश्यू, क्योंकि फिर आपको वो नया पार करना कट ऑफ की बहुत मुश्किल होगा। सो मेक श्योर आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से रखो एंड चीज़ों को सिंप्लीफाई करो, कौन से बदल अच्छे हैं कौन से बदल बुरे हैं, एंड एग्जाम्स क्लियर होंगे, इतना टेंशन मत लो। देखो मैंने खुद ही कहा है और आप भी जानते हो कि सारे बदल्स करने मुश्किल होते हैं, इसका मतलब जो क्लियर करेगा वो भी सारे बदल नहीं करेगा। यानी कि क्या बताएं, हाउ यू अप्लाई योर माइंड दैट मैटर्स द मोस्ट। आपको प्रायोरिटी देना बराबर आना चाहिए, ये सीखोगे तो एग्जाम्स थोड़े जल्दी क्लियर हो सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से काम करो, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।